इसमें पता नहीं सबसे पूछता है ये क्या करता है, तो अगर ये पूछ रहा है आप लोगों से तो इसको ओके कर दें ताकि ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक उसने बोला नहीं है कि शुरू हो गई है, वेट करवा रहा है वो। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक इन डेटा स्ट्रक्चर कोर्स व्हिच इज लिंक्ड लिस्ट एंड इट इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड डेटा स्ट्रक्चर टाइप, कॉमनली यूज टू इम्प्लीमेंट सेवरल अदर डेटा टाइप्स विच वी ऑल हैव ऑलरेडी लर्न लाइक क्यू एंड स्टेक। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, इस पे क्या क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो दिस इज एन आउटलाइन ऑफ दिस टुडेज लेक्चर, लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। वी विल सी व्हाट इज मीन बाय लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट। क्योंकि जब भी इससे पहले वाले जो हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं क्यू और स्टैक स्पेसिफिकली, तो मैंने कहा था कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन लिंक्ड लिस्ट के जरिए भी हो सकती है, लेकिन हम अभी फिलहाल एरे से करेंगे क्योंकि एरे इज मोर सिंपलर वर्जन। तो हम ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, और बहुत डिटेल में ये चीज़ मैंने बनाई है स्लाइड, पॉइंट नंबर 2 की बात कर रहा हूँ कि एरे और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंस है, और फिर प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं लिंक्ड लिस्ट के, क्योंकि फायदे और नुकसान भी पता होने चाहिए। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशन जिस तरह हम देखते हैं क्यू के देखे थे हमने, स्टैक के देखे थे कि कौन कौन से स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हम इस लिंक्ड लिस्ट पे परफॉर्म कर सकते हैं, टाइप ऑफ द लिंक्ड लिस्ट क्या है, एप्लीकेशंस, और फाइनली एल्गोरिथम पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं या कोडिंग करके देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अगेन एज यू ऑल नोस के ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप ही है, और मैंने लास्ट लेक्चर में टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाए थे अपने कोर्स के, तो उसमें हम फिलहाल लीनियर कैटेगरी में थे, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में। हम ऑलरेडी क्यू और स्टैक पढ़ चुके हैं और अब हम लिंक लिस्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो देट वुड बी द एंड ऑफ द लीनियर पोर्शन। इसके बाद फिर हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को जो है वो स्टडी करेंगे। बहरहाल तो शुरू करते हैं कि लिंक लिस्ट से क्या मुराद है, व्हाट इज लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट एक, अगेन अब मैंने बार बार मेंशन नहीं करा स्लाइड में, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट भी एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, यानी कि इस आज के जो लेक्चर है इसमें हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर बात करेंगे, हम कॉन्सेप्ट लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी या कैसे की जा सकती है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वेज टू इम्प्लीमेंट द लिंक लिस्ट एंड वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस, तो ईच हैव इट्स ओन कैपेबिलिटी। तो जब भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात की जाती है तो वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन का जिक्र नहीं किया जाता, इट्स अप टू द प्रोग्रामर। ठीक है, तो इट्स ऑल क्लियर। लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से मुराद हमेशा बताता रहा हूँ, क्योंकि लीनियर मैं समझता हूँ कि क्लियर आपको तब होगा जब आप नॉन लीनियर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन लीनियर स्ट्रक्चर से मुराद ये होती है कि जो डेटा की एंट्री और एग्जिट है फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर वो किसी सिक्वेंस में हो रही होती है, जैसे कि हमने स्टैक में देखा था कि फर्स्ट इन लास्ट आउट हो रहा था, फिर क्यू में हमने देखा कि जो सिक्वेंस है वो क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मामला हो रहा था। तो इसी तरीके से लिंक्ड लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स हैं दे आर नॉट स्टोर्ड एट अ कंटिगियस मेमोरी लोकेशन, जबकि क्यू और स्टैक के अंदर वो भी लीनियर थे, लेकिन वहाँ जो डेटा एलिमेंट जो थे वो, या जो डेटा सेव कर रहे थे, इज सेविंग एट द कंटिगियस मेमोरी लोकेशन। कंटिगियस मेमोरी लोकेशन मैंने पहले भी बताया था, एक तो है कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, यानी कि 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, इट इज नोन एज अ कंटिन्यूस। बट कंटिगियस का मतलब ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज एरे बना रहे हैं और आपकी एरे जो है वो इंटीजर की है, तो उसमें एक एलिमेंट जो है वो
लेट सपोज अगर 4 बाइट को ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो पहली अगर पहली लोकेशन है 1, तो अब नेक्स्ट लोकेशन क्या, अब ये 4 मेमोरी लोकेशन इसके लिए रिजर्व हो गए, नेक्स्ट क्या होगा आपका 5, फिर इस तरह 4 के गैप के साथ चलता रहेगा, तो इसको कंटिगियस कहते हैं। लेकिन लिंक्ड लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो लीनियर तो होते हैं, यानी कि डेटा की एंट्री किसी एक पैटर्न में या सीक्वेंस में हो रही है, फिर एग्जिट भी इसी तरह हो रहा है, लेकिन जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर्ड नहीं है, वो रैंडम है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है लिंक्ड लिस्ट का, कि जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा एक बात यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ अपने आप को ही, सिर्फ ये बताने के लिए कि लिंक्ड लिस्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड या इतना इजी टॉपिक नहीं है, तो काफी कंसंट्रेशन के साथ मेरी जो है वो इस प्रेजेंटेशन को सुनिएगा, जो भी सवाल हो वो नोट कर लें, जब हम स्लाइड खत्म करेंगे तो फिर वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि सब सिंक्रोनाइज रहें। तो पहली पॉइंट हमने ये पढ़ा कि लिंक्ड लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन वो एलिमेंट्स स्टोर्ड नहीं होते कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे, यानी कि अगर एक एलिमेंट लेट सपोज लोकेशन 10 पर है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो लोकेशन 11 पे नहीं होगा, वो कहीं भी हो सकता है, वो 1 पे हो सकता है, लोकेशन 15 पर हो सकता है, तो दैट्स व्हाट आई मीन बाय द के एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट अ कंटिगियस मेमोरी लोकेशन। सिंस एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट द कंटिगियस मेमोरी लोकेशन, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ गाइडेंस, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू लिंक द एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड लिंक्ड लिस्ट, कि इसमें जो लिस्ट लिस्ट का क्या होती है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स से होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब उन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हमें लिंक भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग अलग मेमोरी लोकेशन से पड़े हुए हैं, तो द एलिमेंट्स इन द लिंक्ड लिस्ट आर लिंक्ड यूजिंग अ पॉइंटर्स। अब यहाँ मैंने वर्ड पॉइंटर का यूज कर लिया है, लेकिन इससे मुराद कोई भी ऐसी चीज जो कि मुझे पॉइंट करवा दे, मुझे डायरेक्शन दिलवा दे 1 एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पर। अब मैं क्यों इसको एक्सप्लिसिटली पॉइंटर को अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं करते। अब सी प्लस प्लस तो हमें पॉइंटर की फैसिलिटी देता है, लेकिन अगर आप जावा में ये चीज इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ पॉइंटर्स नहीं है, वहाँ पे हमें पॉइंटिंग एलिमेंट खुद इम्प्लीमेंट करना होगा। आ रही बात समझ में? तो पॉइंटर से मुराद फिलहाल आप ये समझ लें कि कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो हमें दूसरे एलिमेंट तक ले जाएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। सी प्लस प्लस में तो हम पॉइंटर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में हमें पॉइंटर ना मिल रहा हो, ठीक है जी। तो लिंक लिस्ट से मुराद लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि एक नॉट कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे लोकेटेड हैं, और फिर उन दोनों और वो आपस में लिंक्ड हुए हुए हैं यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटर, यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शनल डायरेक्शनल वेरिएबल, जो कि एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को पॉइंट करवाता है, ताकि वो जुड़ जाएं एक लिस्ट के अंदर, ताकि क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट यह है जो कि लोकेशन नंबर 10 पर एग्जिस्ट करता है, और एक एलिमेंट मेरी लिस्ट का यह है, ठीक है, जो लोकेशन 3 पे एग्जिस्ट करता है, एक एलिमेंट मेरा ये है जो लोकेशन 5 पे एग्जिस्ट करता है, तो ये इंडिपेंडेंट लग रहे हैं सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जब तक ये किसी लिंक के साथ जुड़ेंगे नहीं, अटैच नहीं होंगे, तो फिर ये एक लिस्ट की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकते, ये एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के तौर पे नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लिंक देम, कि ये अगर पहला एलिमेंट है तो ये मुझे इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट भी शामिल होना चाहिए डेटा के अलावा, यानी कि अब दो चीजें होंगी, डेटा एलिमेंट्स होगा जो कि कंटिगियस मेमोरी पे नहीं पड़े हुए, दूसरा क्या है कि वो लिंक्ड होते हैं किसी पॉइंटर के जरिए, तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल भी चाहिए जो मुझे पॉइंटिंग करवा सके दूसरे एलिमेंट तक, और दूसरे एलिमेंट में भी एक ऐसा पॉइंटर होना चाहिए जो मुझे तीसरे एलिमेंट तक ले जाए। तो इस तरह ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक लिस्ट की शक्ल शक्ल इख्तियार कर लेंगे,
तो और वो क्योंकि लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए हम इसको लिंक्ड लिस्ट बोलते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं उस लिस्ट में, वो कंटिगियस मेमोरी लोकेशन पे नहीं होते। अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो लिंक्ड लिस्ट से मुराद क्या है कि लिस्ट ऑफ नोड्स हैं। सिंपली अब हम नोड्स की बात कर रहे हैं, एलिमेंट को भी स्पेसिफिकली नहीं डिस्कस कर रहे, बस आप नोड समझ लें कि भाई लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स होती हैं और उस नोड्स में क्या है, दो चीजें मिलेंगी आपको, डेटा मिलेगा और एक एड्रेस मिलेगा। यानी कि यूं समझ लेंगे दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल डेटा होल्ड करता है और एक वेरिएबल जो है वो एड्रेस होल्ड करता है। या नोड नहीं समझ रहे तो आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसमें दो मेंबर्स हैं, एक डेटा और एक एड्रेस। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट में या हर नोड में ये दो चीजें आपको मिलेंगी। एड्रेस से मुराद क्या है, रेफरेंस या लिंक टू द नेक्स्ट नोड। अब जो नोड वन होती है आपकी लिस्ट की, उसको हेडर या हेड नोड भी कहा जाता है, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज अ नोड वन, इसको हम हेडर भी बोल सकते हैं। इसमें दो एलिमेंट्स हो गए, एक एड्रेस और एक डेटा। ये जो एड्रेस है, ये मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि यहाँ जो एड्रेस होगा नोड वन पे, इट विल बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। यानी कि यहाँ पे ये जो मेरा पहला डेटा एलिमेंट है, जिसको मैं शुरू में पहले एलिमेंट बोल रहा था, अब मैं उसको नोड का वर्ड बोल रहा हूँ। तो नोड से मुराद समथिंग दैट कंटेन डेटा एज वेल एज सम लिंकिंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे ये जो एड्रेस होगा, यहाँ पे इट विल कंटेन एन एड्रेस ऑफ दिस नोड, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए हैं, तो ये मेमोरी की मुख्तलिफ लोकेशंस पर एग्जिस्ट करते होंगे। लेट सपोज इसका खुद का एड्रेस, लेट सपोज जो है वो 10 है। ठीक है, जो कि हेडर के अंदर, हम एक हेडर भी हम आगे देखेंगे कि वो भी एक पॉइंटर है, तो हेडर पॉइंट कर रहा होगा इस 10 एड्रेस को। लेकिन ये जो पॉइंटर होगा या ये जो भी वेरिएबल होगा, इट विल पॉइंट टू द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो ये नोड समझ लें कि ऑब्जेक्ट्स हैं और हर ऑब्जेक्ट का एक अपना अपना एड्रेस है। तो नोड वन के पास जो एड्रेस होगा वो नेक्स्ट नोड का होगा, नेक्स्ट नोड के पास जो एड्रेस होगा वो फर्दर नेक्स्ट नोड का होगा, एंड सो ऑन। तो इन सिंपल वर्ड्स, लिंक लिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ नोड्स एंड ईच नोड कंटेन डेटा फील्ड एज वेल एज रेफरेंस लिंक। अच्छा, अब अगर लिस्ट खत्म हो गई है तो दिस एड्रेस विल बी नल, क्योंकि अब ये किसी और को पॉइंट नहीं करेगा, इट विल बी अ नल पॉइंटर। आपको जब लैब में पॉइंटर्स पढ़ाए होंगे सर ने, तो हो सकता है नल पॉइंटर का भी जिक्र कर दिया हो। तो नल पॉइंटर से मुराद ऐसा पॉइंटर जो किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा होता, उसमें कोई एड्रेस नहीं होता बाहर। ठीक है जनाब, तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि लिंक्ड लिस्ट क्या है और अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर इस स्लाइड के हवाले से कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये पूछा सर ये पॉइंटर का कंटिन्यूटी, जी पूछे, कौन पूछ रहा था? सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये पॉइंटर वाला वापस से थोड़ा समझा दे, जो पॉइंटर वाले ने कहानी बोली। इनामुल्ला आपको भी कोई सवाल है? पॉइंटर यूँ समझ लें कि भाई जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं या जो जिनको हम नोड्स बोल रहे हैं, उसमें दो एलिमेंट्स होंगे, दो डेटा मेंबर्स होंगे, एक डेटा रखेगा हमारा और एक एड्रेस रखेगा, बस एक ऐसा वेरिएबल जो एड्रेस रख रहा है। ठीक है, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नोड वन का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, तो इट हैज टू एलिमेंट्स, वन इज डेटा जो भी आप सेव करना चाहते हैं, और दूसरा एलिमेंट क्या है इसके अंदर, एड्रेस। व्हाट इज दिस एड्रेस, ये यहाँ लिखा हुआ है, ईच नोड कंटेन डेटा फील्ड एंड रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। यानी कि ये जो एड्रेस होगा, इट विल बी अ
रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड, यानी कि यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन सी लोकेशन पर है, तो फिर मैं वहां चला जाऊंगा। क्योंकि जो हमने स्टोरी शुरू करी वो क्या थी कि लिंक लिस्ट में डेटा एलिमेंट्स होते हैं और वो डेटा एलिमेंट्स एक ही कंटिग्यूस लोकेशन पर नहीं होते। यानी कि जिस तरह हम एरे की बात करते हैं तो एरे को हम कहते हैं कि वो कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट उसका लेट सपोज इंडेक्स जीरो पर है। अब मुझे अगर सेकंड एलिमेंट पे जाना है तो मुझे एड्रेस की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ उसके इंडेक्स में वन प्लस करूंगा तो मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाऊंगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक एलिमेंट तो आपका मौजूद है, दूसरा एलिमेंट कौन सी लोकेशन पे मौजूद है नहीं पता, तो आई हैव टू स्टोर द एड्रेसेस, ठीक है, ताकि मैं तमाम एलिमेंट्स को जोड़ सकूं। तो उसके लिए एक एलिमेंट में, एक नोड में दो चीजें हैं, डेटा और एड्रेस। वो एड्रेस क्या होगा, इन्फॉर्मेशन या रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड। इसी तरीके से ये जब हम नेक्स्ट नोड पर आ जाएंगे तो इसका अपना डेटा मौजूद है और इसके पास एक एड्रेस भी मौजूद है, ठीक है सर। तो ये दोनों चीजें जिस वेरिएबल में सेव करेंगे उस वेरिएबल को हम पॉइंटर करेंगे। हाँ, एक पॉइंटर आपने मुझे नहीं, मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे सर अब्दुल समद ने बताया था कि उन्होंने आपको पॉइंटर्स बताए थे। तो पॉइंटर एक स्पेशल सॉर्ट ऑफ वेरिएबल होता है जो कि एड्रेस होल्ड करता है दूसरे वेरिएबल का। जी यही समझा, ठीक है। तो जब ये हम पॉइंटर को का वर्ड तब यूज करेंगे जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे, तो अभी मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि इसमें एक ऐसा वेरिएबल होगा जो कि एड्रेस होल्ड कर रहा होगा नेक्स्ट नोड का, और अगर यही आखिरी नोड होगी तो फिर ये कोई सा भी एड्रेस अपने अंदर होल्ड नहीं कर रहा होगा, जीरो एड्रेस होल्ड कर रहा होगा। सर तो सेम नोड वन के साथ भी तो होगा, क्योंकि नोड वन तो नेक्स्ट का होगा, तो नोड वन के डेटा का एड्रेस कौन होल्ड कर रहा होगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये एक हम अलग से एक हेडर बनाएंगे, एक पॉइंटर बनाएंगे जिसको हम हेडर बोलते हैं। ये भी एक वेरिएबल समझ लें आप, हेडर भी एक वेरिएबल है जो इनिशियलाइजेशन के ऊपर इस नोड का एड्रेस होल्ड कर रहा होगा अपने पास, ठीक है, और इसके पास नोड वन के पास जो पॉइंटर होगा वो इसका कर रहा होगा, और इसके पास जो होगा वो इसका एड्रेस रख रहा होगा अपने पास। तो इस तरह ये मामला चलेगा पूरा। सिर्फ नोड वन के पास यूं समझ लें कि दो पॉइंटर्स होंगे, एक पॉइंटर जो है वो दूसरे नोड तक लेके जा रहा होगा और एक पॉइंटर उसका खुद का एड्रेस उसके अंदर सेव कर रहा होगा। क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें आप, कोई भी वेरिएबल बना लें, उस वेरिएबल का अपना कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन होती है, कोई एड्रेस होता है। एड्रेस से मुराद मेमोरी लोकेशन की है। अच्छा, अब यहाँ पे हम समझेंगे कि व्हाट, हाउ लिंक लिस्ट वर्क, और थोड़ा सा मेमोरी लेआउट के अंदर देखेंगे कि किस तरह नजर आती है। तो ये ग्रीन जो आपको ग्रिड नजर आ रहा है, ग्रीन सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एक सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कंप्यूटर मेमोरी की, ठीक है। वी हैव जस्ट लर्न कि जो लिंक लिस्ट है इट इज कंसिस्ट ऑफ नोड्स, उसमें नोड्स होती हैं। नोड में एक बहुत जनरल वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आगे इस फर्दर इस नोड को और एक्सप्लेन कर देता हूँ, बल्कि कि नोड से मुराद क्या है। नोड से मुराद आप नोड भी बोल सकते हैं, इसको लिंक भी बोल सकते हैं, आप इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, आप इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। तो जो भी दिल चाह रहा है आप बोलते हैं कि भाई जो लिंक लिस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, लिंक लिस्ट इज कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑब्जेक्ट ईच नोड कंटेन टू थिंग्स, वन इज डेटा एंड अदर इज द लिंक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको पिंक नोड को इसलिए किया हुआ है कि इस मेमोरी लेआउट में आप देखें ये जो पिंक कलर के बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी एक पिंक बॉक्स है, ये भी एक पिंक बॉक्स है, तो हमारे पास तीन पिंक बॉक्सेस हैं, ईच रिप्रेजेंटिंग थ्री नोड्स, जिनको मैंने लेबल कर दिया नोड ए, नोड बी और नोड सी। अब आपकी पूरी लिस्ट के अंदर एक नोड जो है वो हेडर नोड कहलाती है या हेड नोड कहलाती है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो लिंक लिस्ट कंसिस्ट ऑफ नोड्स एंड ईच नोड कंटेन टू थिंग्स, डेटा एलिमेंट एंड लिंक। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस ग्रीन ग्रिड के अंदर जो नोड्स की पोजीशन है या नोड्स की जो लोकेशन है वो रैंडम है, क्योंकि हर बॉक्स का अपना कोई एक एड्रेस होगा। मिसाल के तौर पे अगर ये एड्रेस है 10 तो ये होगा 11, ये 12, 13, 14, ठीक है,
15, 16, इस तरह हर बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक मेमोरी लोकेशन और उसका कोई एड्रेस है। तो जो नोड्स एग्जिस्ट कर रही हैं मेमोरी लोकेशन में, वो एक कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी कि अगर नोड, ये वाली जो नोड है, ये अगर हेडर है, तो इसके बाद सेकंड नोड नहीं आ रही, सेकंड नोड लोकेटेड एट समवेयर अदर लोकेशन। दैट्स व्हाई एक नोड के अंदर हमें डेटा के साथ साथ एक पॉइंटिंग एलिमेंट की भी जरूरत पड़ रही है, एक ऐसे वेरिएबल की भी जरूरत पड़ रही है जो हमें दूसरे एलिमेंट तक ले जाए। ये जो येलो एरो था इनिशियली, वो हमें दूसरे नोड तक लेके जा रहा है। इसी तरीके से दूसरी नोड के अंदर हमें अगेन एक पॉइंटिंग एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है जो हमें तीसरे एलिमेंट तक ले जाए। इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट में हमें जरूरत पड़ेगी कि हमें चौथे एलिमेंट तक ले जाए। ठीक है जनाब, इसलिए एक नोड के अंदर दो चीजें मौजूद होती हैं। अगर आप इस सिनेरियो को एरे के सिनेरियो से कंपेयर करें, लेट सपोज इंटीजर एरे ऑफ 4, तो उसमें अगर चार डेटा एलिमेंट्स हैं तो वो चारों कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर एग्जिस्ट करते होंगे। अगर ये 10 है मेमोरी लोकेशन, तो ये हो सकता है 14 हो, ये 18 हो, ठीक है, ये 22 हो। बजाहिर ये कंटिन्यूस नहीं है लेकिन कंटिग्यूअस है, क्योंकि एक ब्लॉक 4 बाइट लेट सपोज या 3 बाइट जो भी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये मतलब होता है कंटिग्यूअस का। और लिंक लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं, जो नोड्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कंटिग्यूअस लोकेशन पर नहीं होते, वो डिफरेंट लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सो वी नीड सम सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग एलिमेंट जो हमें एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक ले जाए। तो नोड्स आपने देखा कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पर नहीं है, और एरे के अंदर का देखा जाए तो ये होती हैं। तो जो नोड्स हैं लिंक लिस्ट के अंदर, उसको आप ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, एलिमेंट भी बोलते हैं, ये बात भी मैंने बता दी आपको। ईच नोड जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक सेकंड, इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो हर एलिमेंट या हर नोड के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक डेटा, और मैंने देखें कलर इसलिए किए हुए ताकि आप इस ब्लैक वाली पिक्चर्स को रिलेट कर सके इस टेक्स्ट से। तो डेटा है और लिंक है टू द नेक्स्ट नोड। लिंक से मुराद क्या है? इट विल बी अ पॉइंटर, दिस पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट एलिमेंट इन द लिस्ट। क्यों, इसकी वजह क्या है इस पॉइंटर लाने की या इस ऐसे वेरिएबल को साथ रखने की वजह क्या है? क्योंकि जो नोड्स हैं वो एक कंटिग्यूअस लोकेशन पे मौजूद नहीं है। मैं एक सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेशन करके दूसरे एलिमेंट तक नहीं जा सकता जब तक मेरे पास एड्रेस ना हो। ठीक हो गई, तो दिस इज द समहाउ बिहाइंड द सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन अ मेमोरी लोकेशन। के मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में जब हम लिंक लिस्ट बनाएंगे तो वो किस तरह से जो है वो नजर आ रही होगी एक इन अ सॉर्ट ऑफ इमेजिनेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द लिंक लिस्ट एंड द एरे। एरे आपको पता है कि बहुत ही कॉमनली एंड वाइडली यूज डेटा टाइप है, और ये नॉर्मली डिफॉल्ट डेटा टाइप होती है मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डिफॉल्ट से मेरी मुराद क्या है? प्रीमिटिव डेटा टाइप में शामिल है, यानी कि हर लैंग्वेज जो है उसके अंदर बिल्ट इन एरे की डेटा टाइप मौजूद होती है और आप वो यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू स्टोर डेटा एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको क्वांटिटी का नहीं पता कि कितने एलिमेंट्स आपको स्टोर करने हैं एडवांस के अंदर, क्योंकि एरे के अंदर अगर आप एक एरे बना रहे हैं तो उसका साइज डिक्लेयर करना जरूरी होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ठीक है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप रन टाइम पे यूजर से साइज ले लें और फिर वो साइज से एरे बनवा दें। लेकिन अगेन आपको एरे को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसका साइज पता होना चाहिए। अगर इन दोनों सिनेरियोस को देखें, या तो कोडिंग के वक्त आप साइज बता दें, या रन टाइम पे बिल्कुल जब एरे डिक्लेयर हो रही है तो उस टाइम जो है वो यूजर से इनपुट लेके आप एरे डिक्लेयर करा दें। लेकिन दोनों चीजों में कॉमन क्या है कि यू नीड द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, बट इन सम और इन एप्लीकेशंस यू डोंट नो द क्वांटिटी ऑफ द डेटा टू बी स्टोर। ठीक है, इन सच सिनेरियोस आप लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा कि लिंक लिस्ट का जो साइज है वो डायनेमिक होता है, एंड इट कैन बी ग्रो, इट कैन बी श्रिंक ड्यूरिंग द रन टाइम। ठीक है,
और भी बहुत सारे फायदे नुकसान हमें एरे के हवाले से मिल सकते हैं। तो ये मैंने एक टेबल फॉर्म के अंदर कर दी है, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, 1:30 बज जाए तो मुझे बता दीजिएगा। एरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अगर हम एरे को देखें तो एरे जो है वो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप का। ठीक है, लिंक्ड लिस्ट भी कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा टाइप कह सकते हैं आप। लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, लेकिन वो जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर्ड होते हैं, यू कैन से कि वो सॉर्टेड होते हैं, अरेंज होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। डेटा इसके अंदर जैसे बात करें, अभी तो फिलहाल 1, 2, 3, 4 है, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं पहले 4 सेव कर दूं, फिर 3 कर दूं, फिर 1 कर दूं, लेकिन जो लिंक लिस्ट है उसमें नोड 1 के बाद अब नोड 2 ही आएगी। ठीक है, अगर नोड 2 एग्जिस्ट नहीं करती, नोड 3 है, लेट सपोज नोड ए या नोड बी से मुराद मेरी सम सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, आईडी है लेट सपोज। ठीक है, तो आईडी 1 है, अब आईडी 1 के बाद आईडी 2 ही आनी है अगर वो मौजूद है हमारे डेटा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑर्डर्ड बोल रहे थे यहाँ पे, उसमें कोई ऑर्डरिंग का मसला नहीं है। लिंक लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है सेम टाइप के हैं, लेकिन ऑर्डर्ड होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं यूजिंग द पॉइंटर्स। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप ऑफ सेम एलिमेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब लिंक लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट्स सॉर्टेड या ऑर्डर्ड में भी होंगे। ठीक है, यानी कि नोड्स की बात की जा रही है, डेटा के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एलिमेंट्स के ऊपर बात की जा रही है कि एलिमेंट 1 के बाद एलिमेंट 2 ही आएगा। ठीक है, अगर मौजूद है, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में पॉइंटर्स के जरिए जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हुए हैं। ठीक है, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एरे जो है वो आपको रैंडम एक्सेस सपोर्ट करती है, यानी कि अगर आपका एरे का साइज 10 है तो आप 0 से लेकर 9 तक कोई सा भी एलिमेंट कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड रैंडम एक्सेस। ठीक है, इसकी मिसाल क्या है कि मेरे पास एक सीडी है, सीडी में बहुत सारे गाने हैं, मैंने जब चाहूँ कोई सा भी गाना प्ले कर सकता हूँ, इट्स अ रैंडम एक्सेस। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक टेप होता जैसे पहले होता था तो मुझे जो है सॉन्ग नंबर 1 पहले रन करना पड़ता, फिर सॉन्ग नंबर 2, चाहे फिर मैं उसको फॉरवर्ड करूँ और फिर वो मेरे डिजायर्ड सॉन्ग तक पहुँच पाऊंगा मैं। तो दिस इज सिक्वेंशियल एक्सेस। लिंक लिस्ट के अंदर जो है लिंक लिस्ट सपोर्ट करता है सिक्वेंशियल एक्सेस, यानी कि अगर आपको डेटा एलिमेंट एक्सेस करना है नोड 7 का, तो आपको जो है सिक्वेंशियली ट्रैवर्स करना पड़ेगा पूरी लिस्ट के अंदर। ट्रैवर्स कहते हैं एक नोड से दूसरे नोड तक जाने को। ठीक है, तो आपको सिक्वेंशियली 1 by 1 हर नोड पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि आप अपने मुतालका डेटा तक पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए। तो आप पहले एलिमेंट पे जाएंगे, फिर ट्रैवर्स करेंगे दूसरे एलिमेंट पर, फिर तीसरे पे, चौथे, और फिर अपने कंसर्न एलिमेंट तक जा सकेंगे। तो दिस इज अ वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटा। जैसा मैंने शुरू शुरू में हमेशा बताता रहा हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर से मुराद है वे ऑफ स्टोरिंग, वे ऑफ मैनेजिंग, वे ऑफ एक्सेसिंग अ डेटा। तो लिंक लिस्ट में जो एक्सेस मैकेनिज्म है वो सिक्वेंशियल है, एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है और उसमें एक्सेस मैकेनिज्म जो है वो रैंडम है। आगे मजीद डिफरेंसेस देखते हैं। इन एन एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूस मेमोरी लोकेशन पर होते हैं, कंसेक्यूटिव मैनर्स पर होते हैं मेमोरी को अगर देखा जाए तो। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर जो न्यू एलिमेंट्स हैं, अब जब आपने कोई न्यू एलिमेंट या न्यू नोड बनाया, ठीक है, तो वो कहीं भी सेव हो जाएगा मेमोरी के अंदर जाके। ठीक है, अब इसी वजह से क्या है कि एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन एलोकेटेड टू द न्यू एलिमेंट इज स्टोर्ड इन द प्रीवियस नोड, यानी कि अब इससे पहले वाली जो नोड थी, इससे पहले वाला जो एलिमेंट था, उसका जो एड्रेस वाला वेरिएबल है उसके अंदर इस न्यूली क्रिएटेड एलिमेंट का एड्रेस होना चाहिए, ताकि एक लिंक फॉर्म हो जाए बिटवीन दीज टू नोड्स। एरे में ऐसा कोई झंझट नहीं था, कंटिग्यूस लोकेशंस थे, यहाँ पे कंटिग्यूस लोकेशंस नहीं है। ठीक है, और इसी वजह से एड्रेस की जरूरत पड़ रही है। इस पॉइंट को देखते हैं, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये आगे मैं आपको मजीद तफसील में समझाऊंगा, ये क्योंकि अभी जितनी भी गुफ्तगू हो रही है उसमें ज्यादातर वोट जो है मैं समझता हूँ आप एरे को दे रहे होंगे कि भाई क्या जरूरत है लिंक लिस्ट की, और मतलब बजाय तो एरे में काफी फायदे नजर आ रहे हैं।
रैंडम एक्सेस भी दे रहा है, फिर कंटिग्यूस लोकेशन होने की वजह से आपको पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत नहीं है. बट दिस पॉइंट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे, जो कि मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एरे में जो इंसर्शन है या डिलीट करना है किसी भी एलिमेंट को, वो काफी मुश्किल हो जाता है. और पहली पहली बात यह, क्योंकि मेमोरी लोकेशन कंसेक्यूटिव है. मिसाल के तौर पे आपके पास कुछ कोई एक एरे है ऑफ एनी साइज, लेट सपोज ऑफ साइज 50, और उसमें आप एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं 1, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है. और आपकी रिक्वायरमेंट है कि जो एलिमेंट्स है वो होंगे वो सॉर्टिंग मैनर में होंगे, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा. लेकिन अब लेट सपोज अभी आपके पास डेटा एलिमेंट था 1, 3, 5, ठीक है. लेकिन अब 2 एलिमेंट भी आ जाता है, एक न्यू रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई 2 भी आपको ऐड करना है इसके अंदर. तो अब आपको 3 को आगे मूव करना होगा, फिर 5 को मजीद आगे मूव करना होगा, एंड सो ऑन. तो इंसर्शन या डिलीट करने की अगर बात आ जाए तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है अरे के साथ डील करना. लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है. लिंक लिस्ट के अंदर आप अगर न्यू ऑब्जेक्ट या न्यू एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो वो एक किसी न्यू लोकेशन जो भी अवेलेबल है उस पर जाके क्रिएट हो जाएगा. अब आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो ये करना है कि आपको एड्रेस सेव करने हैं, यानी कि जो प्रीवियस नोड है उसके अंदर इस न्यूली क्रिएटेड नोड का एड्रेस क्रिएट कर दें, ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट नोड का एड्रेस क्रिएट कर दें, दैट्स इट. तो दैट्स द इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन इन द लिंक लिस्ट, दैट इज मच मोर फास्ट एज कम्पेयर टू द एरे. सेकेंड पॉइंट सर जी, सर वो एड्रेस पता कैसे लगेगा? क्यों तो अच्छा, रैंडम नहीं, रैंडम नहीं. अच्छा, उसके लिए हम पॉइंटर यूज कर रहे हैं, करेंगे इंशाल्लाह जब हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. और जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो उसका कोई ना कोई जाहिर सी बात है एड्रेस होता है. और फिर अगर मैं उस ऑब्जेक्ट को किसी फंक्शन को पास कर दूं एज अ रेफरेंस, ठीक है, एज अ रेफरेंस पास कर दूं, तो उस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है. तो देर आर वेरियस वे कि मैं उस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस फाइंड कर लूं, ठीक है. तो या एक कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट पॉइंटर का, क्योंकि पॉइंटर्स जो क्रिएट हो रहे होते हैं वो भी एक मेमोरी लोकेशन पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है. तो पॉइंटर 1, फिर पॉइंटर 2 क्या होगा, इट वुड बी द नेक्स्ट ऑफ पॉइंटर 1. तो इस तरह भी नेविगेट कर सकते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है. तो वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखेंगे कि किस तरह एड्रेस पता चल जाता है और किस तरह हम न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के अंदर या जो है उसका एड्रेस पता चल जाता है, और फिर हम प्रीवियस नोड के अंदर इस न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का एड्रेस इंसर्ट कर देते हैं. ये पॉइंट क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन, मेमोरी जो एलोकेशन है एरे के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि एरे का जो साइज है वो जिस तरह आपको रन टाइम पे बताना है या कंपाइल टाइम पे बताना है, तो मेमोरी की जो एलोकेशन है ना एरे के लिए वो स्टैटिक होती है. यानी कि आपने बता दिया आपको 4 का साइज चाहिए, इंटीजर है, तो इसने लेट सपोज 16 बॉक्सेस जो है मेमोरी में एलोकेट कर दिए, फिक्स कर दिए. तो दैट्स द स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन. लेकिन जो लिंक्ड लिस्ट है उसका साइज फिक्स नहीं होता, डायनेमिक होता है. तो मेमोरी एलोकेशन भी रन टाइम पे ही मिलती है उसको, और जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है वो डायनेमिक है, वो कम ज्यादा हो सकती है. एरे के मामले में जो एलिमेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, कर्सर ये रहा, ठीक है. एरे की अगर आप देखें नोयत, एरे में जो एलिमेंट्स हैं चाहे 10 हो 20 हैं, वो इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड नहीं है, बस हम उनको इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस कर सकते हैं. लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हर एलिमेंट लिंक्ड होता है दूसरे एलिमेंट के साथ, हो सकता है ड्यूल डायरेक्शन में भी हो सकता है सिंगल डायरेक्शन में भी हो, ठीक है. लास्ट टू पॉइंट्स क्या है कि एरे कैन बी सिंगल डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है, जिस तरह मैट्राइसिस वगैरह होते हैं. लिंक लिस्ट की टाइप्स क्या है, सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट. लास्ट बट नॉट लीस्ट, साइज ऑफ एन एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड, जिसमें मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि एरे का जो साइज है वो स्पेसिफाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एरे डिक्लेरेशन, ठीक है. लेकिन लिंक लिस्ट का साइज नहीं होता,
ये वेरिएबल होता है ठीक है, जो कि ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है जैसे जैसे नोड्स ऐड होंगी। तो ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या मेमोरी लेआउट है समझ लें लिंक लिस्ट का, और लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर वर्सेस एरे। एरे के अंदर ए डबल आर आप देख लें कि जो एड्रेसेस हैं 0x100 फिर 104 108 ये कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस हैं टू स्टोर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एन एरे ठीक है, और वो एलिमेंट्स इंडेक्स पोजिशन से एक्सेस हो जाते हैं। वी डू नॉट नीड एनी अदर वेरिएबल टू होल्ड द एड्रेस टू नेविगेट अस फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर ठीक है, वो एक पूरा कंप्लीट पैकेज है एरे। लिंक लिस्ट ऑन द अदर हैंड इज जाहिर सी बात है एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक हेड का बॉक्स है जो कि इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये एक पॉइंटर बन जाएगा एंड इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड जिसके अंदर लेट सपोज 20 जिसका एड्रेस 20 है ठीक है, तो 20 है तो हेड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द 20 एड्रेस जहाँ पे हमें सेकेंड एलिमेंट मिल या फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट नोड मिल रही है। इस फर्स्ट एलिमेंट के पास भी एक पॉइंटर है जो कि सेकंड एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, उसका लोकेशन उसकी लोकेशन जो है वो 33 है ठीक है, और फिर इस तरह ये चलता जा रहा है मामला। फिजिकली तो नहीं कहूँगा लेकिन पिक्टोरियली जिस तरह ये आपको नजर आ रही हैं नोड तो ये एक सिक्वेंस में नजर आ रही हैं, लेकिन मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटिगियस मेमोरी लोकेशन में मौजूद नहीं है, इसीलिए हमें एक सॉर्ट ऑफ नेविगेशन की जरूरत पड़ रही है, एक पॉइंटिंग एलिमेंट की जरूरत पड़ रही है एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए। तो ये काफी हमने डिफरेंसेस देख लिए, इसको सम अप करें तो वी कैन डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द एरे। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि जो भी ये पिछली दो स्लाइड्स थी इस पे अगर कंक्लूजन निकाली जाए तो एरे के ज्यादा वर्ड्स होते हैं ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है या जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा था या समझा था तो मैं एरे को ज्यादा वोट कर रहा था कि भाई एरे में ज्यादा फायदे हैं और ज्यादा सिंपलिसिटी भी है, बट दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ द लिंक लिस्ट जो कि बहुत मायने रखते हैं सम सिचुएशंस के अंदर। द फर्स्ट वन इज डायनामिक साइज ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ एक मिनट के लिए और मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी प्रोस एंड कॉन्स की स्लाइड देखने से पहले या समझने से पहले जो भी हमने डिफरेंसेस देखे एरे और लिंक लिस्ट का, तो आपका वोट किसकी तरफ ज्यादा आ रहा है ऐसी रैंडमली मुझे बताएं थोड़ा। एरे जी रिजवान सर लिंक लिस्ट सर लिंक लिस्ट चलें अब देख। अच्छा दोनों के अपने फायदे नुकसान है ठीक है, लिंक डेटा स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना एक तरह से जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाती है क्योंकि हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने फायदे नुकसान होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन, इसका बेहतरीन आंसर ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आपको बाज़ औक़ात एरे बहुत हेल्पफुल हो सकता है और बाज़ टाइम जो है ना वो लिंक लिस्ट बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, लेकिन दिस स्लाइड विल टेल यू द बेसिक फीचर्स या बेसिक एडवांटेज ऑफ लिंक लिस्ट ओवर द एरे। सबसे पहली चीज़ है डायनामिक साइज। अब एरे में सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि जो साइज है वो फिक्स्ड है, साइज आपको पता होना चाहिए एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, जब आप कोड लिख रहे हैं तो आप उसको साइज बता दें, या आप लेट सपोज सीन भी करना चाहते हैं कि मैं भाई यूजर से पूछ लूंगा रन टाइम पे तो यूजर ने बता दिया 6 ठीक है, अब आपकी एरे की जो साइज है वो 6 की डिक्लेयर हो गई है, लेकिन इट इज पॉसिबल कि आपके पास डेटा एलिमेंट 6 ना हो जिस तरह इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स, तो बकिया जो 3 बॉक्सेस उसने एलोकेट कर दिए हैं आपको वो अनयूज जा रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। अभी इस साइज के साथ तो आप कहेंगे सर ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि 3 बॉक्सेस अगर जाया हो रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास हंड्रेड्स एंड इवन थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स का डेटा मौजूद है या आपने थाउजेंड ऑफ थाउजेंड साइज का या हंड्रेड साइज का आपने एक एरे बना लिया है और उसमें आपके बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो अनयूज जा रहे हैं, तो दैट विल बी द प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन कि जहां आप बहुत सारी मेमोरी लोकेशंस जाया करवा रहे हैं और यूज भी नहीं कर रहे, पहली बात। ठीक है, क्योंकि कोई एक प्रोग्राम रन नहीं हो रहा होता, सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है, और फिर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, ये तो खैर एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं तो जो हम पढ़ रहे होते हैं, वरना अदरवाइज एक एक्चुअल जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है या प्रोग्राम होता है उसमें बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स बन रहे होते हैं, और वहाँ अगर आप मेमोरी मैनेजमेंट अच्छी नहीं कर पा रहे तो देट वुड बी द प्रॉब्लम। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर साइज डायनामिक होता है, जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे तीन नोड्स बनी बनी हुई हैं, ठीक है, ये रिलेशन कोई फिक्स नहीं था, ठीक है, ये रिलेशन कोई फिक्स नहीं था। वी कैन ऐड एंड वी कैन रिमूव नोड्स ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है, तो यानी कि जो साइज है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो सकता है। तो लेट सपोज अगर मुझे एक नोड और बनानी है तो मैं यहाँ पे एक नोड और बनाऊंगा और उसके अंदर भी दो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, लेट सपोज डेटा और यहाँ पे एक पॉइंटर का वेक्टर आ जाएगा, और अब ये जो होगा इसको मैं नल से खत्म कर दूंगा और इसको पॉइंट करवा दूंगा इस पे, तो एज सिंपल एज दैट कि मैंने एक नया नोड क्रिएट कर दिया और अब मेरी लेट सपोज लिंक लिस्ट का साइज हो गया 4। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट डिलीट कर दूं, लेट सपोज ये वाला, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट लेट सपोज डिलीट कर दिया, अब यहाँ पे 01 क्या है, लेट सपोज एड्रेस है ऑफ द नेक्स्ट नोड, तो अब ये 07 नहीं होगा बल्कि सॉरी 01 नहीं होगा बल्कि ये 07 हो जाएगा जस्ट, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड या डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि साइज जो है लिंक लिस्ट का वो डायनामिक हो जाता है। इसी तरीके से ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन को मैं अभी समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे एरे को देखें कि इसमें जो है वो एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, ठीक है, बाई लुक ये असेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है और डेटा है बेसिकली ये, और वो असेंडिंग हमारी शर्त ये है, लेट सपोज हम एम्प्लॉय हमारे पास हैं और उनकी आईडीज या लेट सपोज उनके रोल नंबर या स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर हम सेव करना चाह रहे हैं एरे में, और वो रोल नंबर मैं चाह रहा हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में सेव किया जाए, तो पहला रोल नंबर है 1, फिर 3 है, फिर 5 है। अब एक नया एलिमेंट आ जाता है या नया डेटा आ जाता है ऑफ लेट सपोज वैल्यू 2, तो इस 2 को सेव करने के लिए और क्योंकि मेरी शर्त है कि असेंडिंग ऑर्डर हो, तो फिर मुझे इस 3 को जो है इस इंडेक्स लोकेशन पे मूव करना पड़ेगा, इस 5 को इस लोकेशन पे मूव करना पड़ेगा और फिर यहाँ ये डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क व्हेन यू आर डीलिंग विद इन एरे। और अगर एरे का साइज बहुत लार्ज है और बहुत ज्यादा ऐसी रिक्वेस्ट आ रही है इंसर्शन की या डिलीशन की, तो थिंग्स विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी थे 6, 7 और 8, अब लेट सपोज रिक्वेस्ट आ जाती है कि इस एलिमेंट को डिलीट कर दें, तो फिर आपको 7 को आगे मूव करना होगा, 8 को आगे मूव करना पड़ेगा, तो जो है ये इतना आसान नहीं होता एरे के अंदर। लेकिन यही मामला अगर हम लिंक लिस्ट में देखें और मेरे पास एक नया, अब ये जो 1, 3, 5 है ये डेटा ही है, ठीक है, अब मेरे पास एक डेटा एलिमेंट आ जाता है 2 का, ठीक है, तो मैं उसकी नोड तो बना देता हूं, तो उस नोड में क्या आया, एक तो एड्रेस आ गया, सॉरी एक तो डेटा आ गया इटसेल्फ 2। अब इंसर्शन और डिलीशन को आप देखेंगे, यहाँ पे जो नोड 1 थी उसमें जो एड्रेस था वो अभी नेक्स्ट नोड का था जो कि ये वाली थी 01, ये एड्रेसेस हैं, ये रैंडम एड्रेस मैंने लिख दिया, ठीक है, लेट सपोज इसका एड्रेस है #9, ठीक है, अब वो पता कैसे चला वो आगे हम देखेंगे बाहर, लेकिन उस एक नई नोड हमने क्रिएट करी क्योंकि मेरे पास एक नया ऑब्जेक्ट आ गया 2 और मुझे असेंडिंग ऑर्डर में ही क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, नई नोड क्रिएट की, उसमें डेटा दे दिया 2, अब उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, सो व्हाट आई हैव टू डू जस्ट इज टू रिप्लेस दिस पॉइंटर, और मैं इसको यानी कि मैं ये वाला जो पाथ है वो खत्म कर दूंगा, ये वाला जो एड्रेस लिंक था ये खत्म कर दूंगा
और इसको बोलूंगा कि भाई आप इसको पॉइंट करेंगे, यानी किसको करेंगे, 09 को करेंगे, और 09 की लोकेशन पर आके जो पॉइंटर होगा उसको मैं बोल दूंगा कि आप 01 को करेंगे। तो दैट्स इट, आपने एक नया जो है वो नोड या नया एलिमेंट ऐड कर दिया अपनी लिस्ट के अंदर, जो कि मेमोरी लोकेशन में तो कंटिग्यूस लोकेशन पे नहीं है, लेकिन वर्चुअली देखा जाए तो वो एक पूरी सिक्वेंस में एक लिस्ट बन जाती है। तो ये दो जो हैं प्राइम एडवांटेज जो हैं लिंक लिस्ट के, डोमिनेट करते हैं बहुत सी सिचुएशन के अंदर जहां पे आपको या तो साइज ना पता हो डेटा एलिमेंट्स का, या आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे काम कर रहे हो जहां पे आपको एलिमेंट्स लेट सपोज सॉर्टिंग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने हो, यानी कि इंसर्शन या डिलीशन का बहुत ज्यादा काम आ रहा हो एलिमेंट्स के हवाले से। तो इन दो सिचुएशंस पे लिंक लिस्ट ज्यादा यूज हो जाती है एज कम्पेयर टू एरे। अब थोड़े से डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहली बात तो जो डिसएडवांटेज है लिंक लिस्ट का, कि वो रेंडम एक्सेस हमें अलाउ नहीं करती, ठीक है। और जब भी मुझे एलिमेंट एक्सेस करने होंगे तो मैं पहले एलिमेंट या नोड वन एक्सेस करूंगा, फिर टू करूंगा, फिर थ्री करूंगा, एंड सो ऑन, पहली बात। दूसरी बात, आपने अंदाजा लगाया होगा, हो सकता है अंदाजा लगाया हो या मे भी नहीं लगाया हो, लेकिन हमें अब दो चीजों की जरूरत पड़ रही है अपनी इस लिस्ट के अंदर। एक तो डेटा, जिस तरह हम एरे में सेव करते थे वो डेटा, लेकिन इसके अलावा हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की भी जरूरत पड़ रही है। और पॉइंटर वेरिएबल की जब जरूरत पड़ रही है तो फिर यानी कि मोर मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल भी कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो मेमोरी की अगर बात की जाए और अगर हमारे पास सफिशिएंट मेमोरी नहीं है तो लिंक लिस्ट एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है फॉर स्टोरिंग द सेम डेटा। एरे के अंदर अगर हमें 135 सेव करना है तो हमारी मेमोरी की कंजप्शन कम होगी एज कम्पेयर टू लिंक लिस्ट, लेकिन वहां पे फिर हमें जो ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ईज ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन एंजॉय करना है तो फिर आप लिंक लिस्ट को यूज कर सकते हैं, इफ यू आर नॉट केयर अबाउट द मेमोरी। कैशे फ्रेंडली नहीं है सर, क्योंकि जी सर, ये जो हमने टू जो इंसर्ट किया तो ये थ्री की जगह रिप्लेस होगा। अब आप देखें फिलहाल मिसाल के तौर पे कि थ्री टू मैंने इंसर्ट लेट सपोज नहीं किया, तो मेरी ये नोड वन है, नोड की बात कर रहा हूँ, नोड, ठीक है, चलें इसको वन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं नोड ए, ये नोड बी है और ये नोड सी है। लेकिन अगर हम असेंडिंग ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, अब मेरे पास एक वैल्यू आ जाती है टू की, तो टू को जो है ए और बी के दरमियान होना चाहिए, तो वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की है। और वो क्रिएट मतलब क्रिएट मेमोरी लोकेशन में तो वो कहीं भी हो गई, लेट सपोज एड्रेस नंबर 9 पर हो गई, ठीक है, ये एड्रेस नंबर 1 था, ये जो भी एड्रेस था वो तो हेड में था, ठीक है, ये एड्रेस नंबर 1 था, ये 7 था। अब एक नई लोकेशन पे जाके ये एक नोड क्रिएट हो गई, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो नोड मेरी क्रिएट हुई है इट शुड बी द सेकंड एलिमेंट ऑफ माय लिस्ट। आ रही बात समझ में? जैसे एरे के अंदर हमने कहा था कि भाई ये 1 है, ये 3 है, अब ये 5 है, अब मेरे पास एक डेटा आया 2, आई वॉन्ट दिस डेटा 2 to be the second element after the first, जो कि अभी 3 है, तो मैं इस 3 को replace करवाना चाह रहा हूँ। Replace in a sense कि आप इस 3 को आगे shift करना चाहता हूँ। तो array में ये काम मुश्किल था, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक node create कर ली, उसमें अपना मुतालका data save कर लिया, और अब बस मैंने address के साथ खेलूँगा। यानी कि मैं इसको 1 के बजाय बोलूंगा कि आप पॉइंट करोगे 09 के एड्रेस को, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, डेटा एलिमेंट मिल जाएगा 2 का, ठीक है, और इसके पास जो पॉइंटर होगा, लेट सपोज पॉइंटर है जो भी x, उसको बोल दूंगा कि आप इस लोकेशन को पॉइंट करेंगे 01 वाली को। तो इस तरह मैं एक नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकता हूं अपनी मुतालका लोकेशन पे इजीली, ठीक है। एरे में क्या होगा कि अगर मुझे 2 इंसर्ट करना होगा, बजाय 2 एक 1 से बड़ा एलिमेंट है, तो वो इसको यहाँ आना चाहिए,
तो मैं क्या करूंगा कि मैं 3 को यहाँ लाऊंगा पहले और 5 को यहाँ लाऊंगा, तब जाके ये जगह खाली होगी और फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि ईज ऑफ इंसर्शन और डिलीशन जो है वो लिंक लिस्ट में ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू एरे। डायनामिक साइज का मतलब ये होता है कि आप कोई सा भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, साइज कोई फिक्स नहीं है कि 3 एलिमेंट बोल दिए तो 3 एलिमेंट ही बने हुए हैं, अगर आपको 4 करने हैं आप 4 कर लें। इन लिंक लिस्ट अगर इसको नट शेल में बात करें तो आपको सिर्फ एड्रेसेस के साथ खेलना है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते जाएं और उनको एक एड्रेसेस की चेन में लिंक कर दें, एज सिंपल एज पॉसिबल। कैशे फ्रेंडली नहीं होता लिंक लिस्ट क्योंकि एरे एलिमेंट में जो एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो कंटिग्यूस लोकेशन पर होते हैं, तो वहां पे कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती एज कंपेयर टू द लिंक लिस्ट, क्योंकि कैशे जो है मेमोरी को इतनी बड़ी मेमोरी नहीं होती। तो अगर आप लेट सपोज प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं तो क्योंकि टेम्प्रेरी मेमोरी में सेव हो रहा होता है अभी प्रोग्राम, ठीक है, तो हो सकता है आपका कंप्यूटर कैशे मेमोरी यूज कर रहा हो, और अगर लार्जर प्रोग्राम है और आप लिंक लिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 डिसएडवांटेज हैं और ये 2 एडवांटेजेस हैं आपके लिंक लिस्ट के, और इसको अगर कंक्लूड करें तो नो मैटर के व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एरे या नो मैटर व्हाट आर द प्रोस एंड ऑफ लिंक लिस्ट, बोथ आर यूजफुल इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। अगर आप एक आपका प्रोग्राम का साइज कम है या आप इंसर्शन या डिलीशन पे इतना काम नहीं कर रहे, ठीक है, या आपको साइज पहले से पता है, ठीक है, नो इश्यू, आप एरे के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायनेमिक साइज के साथ डील करना चाह रहे हैं, आपको नहीं पता आपके डेटा में कितने एलिमेंट स्टोर हैं, जो यहाँ पे शुरू में बात की थी इसने, अगर आपको एडवांस में पता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर लिंक लिस्ट यूज करें, ठीक है जनाब। ये आखिरी 2 स्लाइड्स बची हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड और टाइम भी जो है मेरे पास इतना अब बचा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी लैब भी शुरू होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस जो है फिर मेरा ख्याल है हम कल देखते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेशन बल्कि आज ही देख लेते हैं क्योंकि आप लैब में हो सकता है कर लें तो थोड़ा सा आपको ये एडवांटेज मिल जाए। 6 स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं, ट्रैवर्सिंग है, अपेंड है, प्रीपेंड है, मैं थोड़ा जल्दी बता दूंगा और कल इसको फिर फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। ट्रैवर्सिंग कहते हैं एक नोट से दूसरे नोट पे जाने के नाम को जो है काम को जो है वो ट्रैवर्सिंग कहते हैं, कि अगर मैं नोट 1 पर हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे डेटा सेव कर लिया, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट नोट पे जाना है, ठीक है, तो मैं इस नोट पर आऊंगा क्योंकि सिक्वेंशियल है सारा, इस पे डेटा सेव करूंगा और फिर इस पे जाऊंगा। इसी तरीके से एक्सिस के लिए होगा कि मुझे एक्सिस करना है, लेट सपोज दिस वन, तो मैं पहले इसको एक्सेस करूंगा, इसको करूंगा, फिर इस पर आऊंगा, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रैवर्सिंग, जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना होगा C++ के अंदर। अपेंड से मुराद होती है कि आपको एक नई नोड अपेंड करनी है, लेकिन अपेंड का द वर्ड अपेंड मींस कि आपको एक नई नोड इंसर्ट करनी है एट द एंड, मिसाल के तौर पे यहाँ। जी बोले जल्दी। सीक्वेंशियल मतलब रैंडम भी तो कर सकते हैं ना सर एक्सेस, जैसे कि उसका मेमोरी लोकेशन पता है तीसरे एलिमेंट का तो वो डायरेक्ट नहीं, वो आप देखेंगे कि अब इसके मतलब मैं जब इस नोड के अंदर हूँ, जब मैं इस नोड के अंदर हूँ तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो एक डेटा की इंफॉर्मेशन है और एक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है। ये एड्रेस जो है वो इस नोड का है, ये एड्रेस इस नोड का नहीं है, तो मैं यहाँ से यहाँ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास जब मैं इस नोड के अंदर आ गया हूँ तो मेरे पास थर्ड नोड का एड्रेस मौजूद नहीं है मेरे पास, यानी कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं बेसिकली, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है एक पॉइंटर होगा जो नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा, आ रही बात समझ में? अच्छा ठीक है सर, ठीक है समझ गया। तो उस पॉइंटर के पास दूसरे नोड का ही एड्रेस है,
तो अपेंड से मुराद है कि एक नोड ऐड करनी है लेकिन लास्ट में करनी है। तो लास्ट में करनी है तो आप एक डेटा उसके अंदर होगा और एक एड्रेस भी होगा। तो आपको करना क्या है कि हो सकता है अभी आपका ये वाला एलिमेंट लास्ट हो तो ये नल हो, तो आपको इसको नल के बजाय आप इसके अंदर डेटा से जो एड्रेस सेव करेंगे वो इसका कर देंगे बस। तो आपके पास एक नया एलिमेंट सेव ऐड हो गया। इसी तरीके से प्री पेंड है, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है लेकिन स्टार्ट के अंदर। तो स्टार्ट के अंदर मतलब क्या होगा कि आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, लेट सपोज डेटा और एन, ठीक है, और इस एन को बोल देंगे कि आप इसको पॉइंट करें, ठीक है, और इस हेडर वाले पॉइंटर को खत्म कर देंगे यहाँ से, और उसको बोलेंगे कि आप इसके एड्रेस को पॉइंट करोगे। यानी कि हेडर अब आपका नेक्स्ट नया बन जाएगा, बाकी जो है आप एड्रेस मॉडिफाई कर देंगे। इंसर्शन अ न्यू नोड टू द स्पेसिफिक पोजिशन, लेट सपोज आपको यहाँ पे एक नोड ऐड करनी है, तो आपने यहाँ नोड डाल दी, उसमें डेटा भी होगा और उसमें एड्रेस भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इस एड्रेस को मॉडिफाई करेंगे, और यानी कि इस पॉइंटर को मॉडिफाई करके बोलेंगे कि ये पॉइंटर आप इसको पॉइंट करेगा, ये वाला खत्म हो जाएगा पाथ, और इस पॉइंटर को बोलेंगे कि आप इस वाले एड्रेस को पॉइंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आप नया एक नोड क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। इसी तरीके से अगर डिलीट करना है नोड, ठीक है, अगर तो ये नोड डिलीट करनी है तो बहुत ही सिंपल है, आप इस पॉइंटर को बोल देंगे कि भाई आप नल हो जाओ, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नोड डिलीट करनी है तो आप क्या करेंगे, आप इसका एड्रेस अपडेट करेंगे और उसको बोलेंगे कि आप इसको पॉइंट करोगे। तो इस तरह आप डिलीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपडेटिंग द नोड। अपडेटिंग से मुराद ये है कि कोई डेटा एलिमेंट एक्सेस करना है, कोई डेटा एलिमेंट को चेंज करना है, तो वो अगेन उसमें ट्रेवर्सिंग इन्वॉल्व होती है। या पहले इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं लेट सपोज, और इसके डेटा को चेंज करते हैं, यहाँ से आपको इस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप इस पे चले जाते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ फाइंडिंग एज वेल एज, लेट सपोज मुझे D2 फाइंड करना था जो कि यहाँ सेव है, तो मैं पहले इसको चेक करूंगा, अगर D2 मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसके पास आऊंगा, फिर इसके पास आऊंगा। तो इसको अपडेटिंग कहते हैं। तो ये 6 बेसिक ऑपरेशंस हैं। अच्छा अब चलें, बस मेरा ख्याल इतना काफी है। टाइप्स भी हैं 3, वो हो सकता है कल हम कर लेंगे डिस्कस। ये पता नहीं मैंने क्या चेंज किया है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया है, तो मैं यहाँ पे सेशन एंड कर रहा हूँ। किस्सा मुख्तसर या सम अप करें अगर, तो लिंक्ड लिस्ट से मुराद सेट ऑफ नोड्स हैं, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, और वो एलिमेंट कंटिगियस मेमोरी लोकेशंस पे नहीं होते। इसी वजह से हमें एक पॉइंटिंग एलिमेंट की जरूरत पड़ती है जो कि उन एलिमेंट्स के दरमियान एक रिश्ता या एक लिंक कायम कर दे, ठीक है। और एरे के हिसाब से इसके अपने एडवांटेजेस हैं और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह कल इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, या कल इसको मजीद इसकी टाइप्स देखते हैं और इन ऑपरेशंस को और मजीद जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो अगर आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, जिनको जाना है वो चले जाएं ताकि वो नेक्स्ट क्लास में लॉग इन कर लें।